असीम रियाज और पारस छाबड़ा के बीच बड़ी तकरार। कंटेस्टेंट्स ने पार कर दी सभी हदें। थूक थूक के किया कंटेस्टेंट्स पे वार। तो आइए हम आपको बताते हैं इस जंग की सारी डिटेल्स। दरअसल आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा असीम रियाज एंड पारस छाबड़ा की अगली फाइट। इसी फाइट से जुड़ी हुई क्लिप बहुत वायरल हो चुकी है और इसी क्लिप में हमने देखा कि असीम रियाज आग बबूला हो जाते हैं पारस पर, जब छाबड़ा उनकी सिस्टर को इस झगड़े के बीच में लेकर आते हैं। इसी वर्बल फाइट में हमको देखने को मिला कि दोनों कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट स्पिटिंग ऑन ईच अदर्स फेसेस। हम आपको बता दें कि इसी क्लिप की शुरुआत पारस छाबड़ा असीम रियाज को स्लैम करते हैं बाई यूजिंग वर्ड्स लाइक औकात, टट्टी एंड थू। पारस एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं एंड मेकर्स द्वारा इसे बीप किया जाता है। हालांकि माहिरा, विकास, शहनाज और असीम के इस पर शॉकिंग रिएक्शन कुछ ज्यादा आईबॉल ग्रैबिंग रहा, बट ऑल इन ऑल पारस ने असीम की बहन का यूज करके अच्छा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर होस्ट सलमान खान ने एक टास्क के दौरान पारस की तारीफ की और आसिम को सलाह दी। गलत फहमी के गुब्बारे टास्क के दौरान सलमान ने पारस की तारीफ करते हुए कहा कि पारस शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। सलमान खान की बात का जवाब देते हुए पारस ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। वहीं गलत फहमी के गुब्बारे टास्क के दौरान हो सलमान खान ने असीम को सलाह दी। असीम का गुब्बारा फोड़ते हुए शेफाली जरीवाला ने कहा था कि वो लड़कियों से आजकल बदतमीजी से बात करते हैं। इसके बाद सलमान ने असीम को सलाह देते हुए कहा, अगर ऐसा लग रहा है तो असीम को ये चीज बदलनी चाहिए, बाहर एक अच्छा इंसान बनकर निकलो। ट्रूली इस बार का बिग बॉस सीजन 13 वाकई में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। वेल व्यूअर्स, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके प्रेशियस व्यूज ऑन असीम एंड पारस की वर्बल स्पैट को लेकर। डू लेट अस नो योर व्यूज। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।